खाना गिराते नहीं कहीं मेरे व्लॉग में भी वो आया था बंदर। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम जा रहे हैं लंच टाइम में घर में, तो आज हम दो लोग हो गए, तीन लोग हो गए लग। तो एक ये है, एक ये है, क्योंकि आजकल यार ऑफिस में लंच करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ठंडा होता है। तो हम सोचते हैं मेरा रूम नज़दीक में है तो हम रूम पे चले जाते हैं। तो गाइस, ये लोग ना बाहर से आ ही नहीं रहे, मतलब इनको इतना बढ़िया लग रहा बाहर में बैठना कि भूल रहे कि तुम्हारे पास गद्दा नहीं है बाहर पे बिछाने के लिए, कि हम बाहर ही खा लेते। तुम लोगों को मैंने ये इसलिए नहीं दिया है कि तुम ये इसको नीचे रखोगे, इसको इसमें रखो भाई, साफ करने के चक्कर से तो मैंने प्लेट रखी। वो नहीं, वो टिफिन नहीं रखने दे रही है इधर उधर। ऐसे हैं लोगों के में प्लेट लगी है, वो प्लेट साफ कर सकती है लेकिन ये नहीं करेगी वो, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी यहाँ लग जाता है यार कोनी कोनी में, इसमें इसी में गिराओगे ना, तुम लोग गिराते भी तो बहुत। तो कौन लोग ये दोनों सारी नहीं निकालूंगी, दो फटाफट फटाफट दो, किस में दो, इसी में मेरे को तो क्या दे रही है। कल के वाले व्लॉग में मैंने आपकी तारीफ कर रखी है, किस बारे में? बस अबे ये सारा इसमें कहाँ डाल दिया तुमने, वैसे ठीक ही किया यार। ये बुड़ गई बिरयानी क्या कर रखे हो, अचार ऐसे मिक्स करके दे रखे हैं। ओके, तुम्हें अचार चाहिए? नहीं, हम पनीर को चाहिए। हाँ, ये लो, गोभी को भी नहीं चाहिए, कल ही मैंने गोभी खाई है। कल तो पनीर भी नहीं खाओगी, तुम्हारी भी गोभी है, तुमने लोगी है। पर अचार किस चीज़ का है ये पता नहीं, किस चीज़ का है, मिक्स सा लग रहा है कुछ। तुम्हारे पास कोई डाल भी अचार है ना? तो है, पर ये पता नहीं किस चीज का है, ये समझ नहीं। तो मेरे पापा ने बनाया था आमले का अचार, तब मस्त बनाया था ना, मिक्स कर दे तो यार तुम लोग सब्जी। तुम्हारे पेट में गोभी अलग, पनीर अलग, आलू अलग होता है ना। ना जाने के लिए तो सब एक के साथ चला रहता है वो, बस जीप में चाहिए, जीप के लिए भी तो टेस्ट हुआ। अच्छा हुआ तुम्हारा पनीर। कल से ना बताएंगे नहीं, यहीं पे खोलेंगे कौन क्या लाया, ठीक है? खाएं जो बताते हैं हम, मैं उसने बता दिया था ना, उसके पेट में कुछ नहीं रहता है। तो मैं रोज अलग अलग चीज बदल रही थी, प्राय तुम ही बदलो। कल से तो छप्पन भोग की सीरीज शुरू हो रही है इसकी दोबारा, तो उसमें कोई मेहमान नहीं है, ऐसे थोड़ा थोड़ा इन्हीं को बांटूंगी, मतलब अपने लिए बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा इधर, मतलब ऐसे ही बांटूंगी, समझ गए ना। एक तीर से दो निशाने लगा लिए, क्योंकि वैसे हो नहीं पा रहा यार। तुमने परफॉर्म हमको खिला दिया, वो आई नहीं रही, अब बना नहीं रहा। क्या बोला? सबको खा लूंगी ले जाऊंगी, वो पैसा नहीं गा ने आई गा नहीं, नहीं वो क्या खिलाती है, वो तो मैं ही खिला दूंगी तेरे को। तो ऐसा कर, मेरे कपड़े उठा दे या नहीं रहने, तो कहीं से नहीं करोगे ना क्या? 360 सोचा था, उन्होंने हमसे कहा कि तुम दोनों बोझो है, तो मैं ऐसा कहा होगा ना। रिकॉर्ड करना चाहिए वो है। अच्छा वहाँ ऐसे बोला, सच्ची में बोला? नहीं बोला ऐसा, इन्होंने कहा कि देखो एक स्टूडियो होती किसी के पास भी, मैंने कहा भानु के साथ बर्फन मैम चले जाते, मेरे साथ प्रियंका मैम आ जाते, तुम दोनों में से एक के पास स्कूटी होती है तो तुम दोनों एक स्कूटी में आ जाते। मैंने कहा कि अब हमें तुम दोनों के लिए भी सोचना होता है कि तुम दोनों कहाँ हो गए,
बोझ कहाँ बोला? इनडायरेक्टली मैंने बोला मैंने बोला क्या हम तुम पे बोझ है? इन दोनों ने जवाब दिया हाँ हमने साथ में बोला हाँ तुम सही समझे अब ना अभी मुझे ये बेड चेंज करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, बड़ा ही बेकार लग रहा है। तो आज ये लोग आए हैं मेरे पास दो ये जवान, इसीलिए लाई है हमें रूम पे। हम जवान तो घायल है, हमने कब बोला हम काम करेंगे? चलो पार चलो 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 प्लीज यार कि हम इसका रोज कुछ ना कुछ कर सकें काम। जैसे आज इसने हमें बेड खिसकवा लिया, कल ये ना बोले कि मेरी रूम की सफाई भी है। ये कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ बोला होगा इन्होंने मेरे बारे में। बोला कि वाओ कितना प्यारा बना रखा है दर्शना ने, देखो देखा आपने दिमाग लगाओ थोड़ा सा लोगों। इसे तो मुझे लग रहा है अपन कमरे की सफाई करते हुए दिखाई देंगे लोगों को। ललिता तुम्हारे घर में सील बट्टे में नमक पीसते? हाँ किसी दिन पीस के लाना है इंतजार कर रही थी कि वो फोन रखेगी फिर काटेगी। नहीं मुझसे अच्छा नहीं कटता है ना। तुमसे होता क्या अच्छा है? खाया जाता है उसमें कमियां निकाली जाती हैं। लाओ यार काट दो यार टेंशन जो से ना, इसी का काम है काटने का। तुम अच्छा काट लेती हो। ये अच्छा है, रोज खाने के बाद हम फ्रूट्स खाएंगे ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना सही होता है। वाह टाइम तो यार पेट में पच जाए। हमने सोचा कि आज से हम रोज लंच पे घर पे आएंगे और ऐसे ही आपको नई नई काम करवाएंगे। ये आज ही आज करवाया था काम, वो भी कल से। इनको गद्दे बाहर चाहिए इसलिए। कल हम दरी लेके आएंगे देखना, ऐसे तुम ही करना उसका इंतजाम फिर। और फिर हम कल से हम बाहर ही खाएंगे फिर। यहाँ लोगों को दिखाते हुए खाएंगे। ये कहीं मेरे व्लॉग में भी वो आया था बंद कर। मैं सोच रही यार कहीं से चलते रहे। इनकी नजर अमरूद में नहीं माल्टे में ज्यादा है। देखो चलो कल मैं लेके आऊंगी माल्टा अपने रूम से। मम्मी लोगों ने आज भेजे 10 दाने माल्टा के। हैं एक एक लाना रोज, ज्यादा मजा नहीं आता। एक ही खाने में जाता ना है जो उसमें दिखाते हैं कि पहले तो दोस्त ऐसे लड़ने के लिए जाते हैं, फिर दूसरे वाले के पास जाता दोस्त आ जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे जाते फिर वो जाते। तो गाइस आज का लंच हो गया है खत्म और हम ब्लॉग को भी करते हैं खत्म नहीं करते हैं ब्लॉग को करते हैं एंड नया वर्ड सीखा मैंने ब्लॉग करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लंच में मतलब कल। बाय।